पंजाब की सियासत में उठे सियासी घमासान का हरियाणा में भी असर दिख रहा है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी हलचल तेज है। हरियाणा कांग्रेस ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में न सिर्फ पार्टी के मुद्दे होंगे, प्रदेश के मुद्दे होंगे, बल्कि पड़ोस के मुद्दे भी चर्चा में शुमार होंगे। और पंजाब में जिस तरीके से सियासी समीकरण बदले हैं, संभव है कि उस पर भी बात। और हरियाणा बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति सहानुभूति भी एक नए समीकरण की तरफ दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर पंजाब के बदले सियासी हालात का हरियाणा की सियासत में क्या दखल होगा, क्या असर होगा। रणभूमि में कई और पहलुओं पर पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। पंजाब की सियासत का हरियाणा में असर। पंजाब के बाद हरियाणा में बढ़ा सियासी पारा। हरियाणा कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक। बीजेपी को कैप्टन से सहानुभूति, कांग्रेस पर वार। सहानुभूति की राजनीति। सियासी उठापटक के बीच पंजाब को नया सीएम मिल गया है, तो पंजाब की सियासत के असल कैप्टन फिलहाल मौन है। सियासी शोर और कैप्टन अमरिंदर सिंह की खामोशी के बीच हरियाणा का सियासी पारा भी बढ़ने लगा है। बीजेपी कांग्रेस पर शब्दों के बाढ़ छोड़ रही है, लेकिन पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति सहानुभूति जता रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आए थे, क्योंकि जहां जहां पाँव पड़े संतन के तहीं तहीं पंटा था। जो देश के आदमी थे, जिनका जनाधार था, उन्हें अगर पार्टी से अलग करेंगे तो पार्टी का नाश होने का काम होता है। कैप्टन बहुत मजबूत आदमी थे, उसे हटाने से मेरा ये मानना है कि ये सरकार पूरे अगले इलेक्शन तक नहीं चलेगी। अगले दो महीने में फिर सरकार टूटेगी। कांग्रेस का एक युग था, चला गया। अब मैं समझता हूँ ये अंत है कांग्रेस का। अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया था अमृतसर के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में, जो राहुल गांधी से मैच नहीं करता था, उसी दिन से सामने आ गई थी कि अमरिंदर सिंह को अब जाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह की आज़ादी नहीं है। इसी तरह की घटनाएं आने वाले वक्त में आप देखोगे हरियाणा कांग्रेस में भी पाएंगे। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान के बाद हरियाणा कांग्रेस भी सतर्क नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाकर हालात की समीक्षा का फैसला लिया है, तो कांग्रेस बीजेपी के विरोध की धार तेज कर पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन काम किया और मुझे ये विश्वास है, कभी कभी परिवार में छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं, पर मुझे ये विश्वास है कि वो अपनी परिपक्वता का परिचय देंगे और उनका आशीर्वाद जो उन्होंने चरणजीत चन्नी को कल दिया है, उनका आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार पर और समर्थन इसी प्रकार से बना रहेगा। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू गुट, तो हरियाणा में हुड्डा और शैलजा गुट अक्सर आलाकमान की मुश्किलें बढ़ाते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा में भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। वहीं बीजेपी का कैप्टन के प्रति सहानुभूति जताना भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। साक्षी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पंजाब की सियासी घटनाक्रम का असर क्या हरियाणा में इस तरीके से नजर आएगा कि कुछ नए समीकरण भी बन सकते हैं, हम इस पर चर्चा के लिए चलते हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज के इस डिबेट में जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको पता चले कि हमारे साथ इस कौन से मेहमान जुड़े हुए हैं और हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र चौहान के पास हम चलते हैं और उनसे ये जो घटनाक्रम पंजाब में बदला, चौहान साहब स्वागत है आपका जी मीडिया पर, उसका हरियाणा में अलग अलग तरीके से रेफरेंस के तौर पर कहें या एग्जाम्पल के तौर पर कहें, रिएक्शन जो आ रहे हैं उसमें कुछ बातें समझ में आ रही हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि पंजाब के सियासी घटनाक्रम पर हरियाणा में बीजेपी का क्या स्टैंड है, किस तरीके से आप इसको रिएक्ट करते हैं।
देखिए पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन किया, नेतृत्व परिवर्तन करने से पहले जिस तरह वहां पर इनकी पार्टी के भीतर इनके लीडर्स के बीच में बयानबाजी का सिलसिला चला, जिस तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सिद्धू ये कहते सुने गए कि मेरी नहीं चली तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा और फिर उनकी चल गई, यानी कांग्रेस का आलाकमान वो सिद्धू की ईंट से ईंट बजाने की धमकी के सामने झुकता नजर आया। कैप्टन अमरेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस के तो वास्तव में उनके चेहरे पर पंजाब का पिछला चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, तो जिस व्यक्ति के चेहरे पर वहां कांग्रेस सत्ता में आई थी सिद्धू के धमकियों के कारण, सिद्धू की घुड़कियों के आगे झुकते हुए घबराई हुई कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जलील करके बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखाया है। तो कुल मिलाकर इससे एक बात समझ में आती है कि कांग्रेस के आंगन में, कांग्रेस के घर में, पंजाब में सब कुछ सही नहीं है। चुनाव के मुहाने पर, चुनाव के दरवाजे पर खड़ी हुई पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप बदल सकती थी, बदल सकती, बदला उन्होंने, उनका अधिकार था, परंतु लीडरशिप बदलते हुए उनके नेताओं ने क्या क्या कहा, उनकी वो घटनाक्रम सबने हमने देखा। हाँ। उससे साफ होता है कि ये मजबूत होती हुई कांग्रेस नहीं है, ये और बिखरती हुई कांग्रेस है, जिसमें अभी ये भी साफ होना है कि चुनाव सिद्धू के चेहरे पर लड़ेंगे क्या। एक नेता कह देते हैं सिद्धू के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरे नेता कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, नए मुख्यमंत्री की कोई कीमत नहीं है क्या, कोई चेहरे का कोई मूल्य नहीं है क्या राजनीतिक, क्या नए मुख्यमंत्री को अपमानित करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। जब इस तरह के सवाल उठते हैं, फिर दिल्ली से रणदीप सिंह सुरजेवाला जिसे कहते हैं ना लीपापोती करने के लिए बयान देते हैं कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह वो आशीर्वाद दे रहे हैं नए मुख्यमंत्री को। क्या क्या कैप्टन अमरेंद्र सिंह कहीं आशीर्वाद देते दिखाई दिए? कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्होंने जलील होकर, अपमानित होकर इस्तीफा दिया है। उस व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया नहीं, उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया मजबूरी, और दिल्ली की कांग्रेस की लीडरशिप वो ये कहती हुई अपनी पीठ थपथपा रही है कि ओ अमरेंद्र सिंह तो हमारे साथ है, उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया है। तो आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कंफ्यूजन का चरम है इस समय कांग्रेस के पास, कांग्रेस बिल्कुल घबराहट में है। वीरेंद्र जी मैं लौटता हूं संजीव भारद्वाज। हां मैं लौट रहा हूं, फिर से लौट रहा हूं। वीरेंद्र जी संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ कांग्रेस से आज के इस डिबेट में शामिल हैं। संजीव जी, पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में एक हलचल सी नजर आ रही है, क्या किसी तरीके के समीकरण के सुखबुगाहट है, क्या कुछ बदलाव की सुखबुगाहट है? अचानक से विधायक दल की बैठक बुला देना और पंजाब के घटनाक्रम पर बहुत खुलकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाना, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की बात, जैसे सुरजेवाला जी ने कहा कि वो अपनी मैच्योरिटी दिखाएंगे, वो इतनी सियासत करने के बाद अब मैच्योरिटी दिखाएंगे, उठाकर बाहर फेंक दिया और उनसे मैच्योरिटी की अर्जी लगा रहे हैं, गुहार कर रहे हैं। वीरेंद्र भाई मैं पहले ही लेट आया हूं, आप अपनी बारी में बोल लेना, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो आप, फिर बाकी के 28 मिनट आपके हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पहली बात तो हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरा फोकस, जितने भी हम प्रवक्ता हैं या हरियाणा प्रदेश के लीडर हैं, हम लोगों को अपनी कार्य शैली को देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कांग्रेसी और कांग्रेस के हिसाब से या पार्टी वाइज बोलते हैं तो इनको पंजाब में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि जो इंटरनल कांग्रेस के मामले हैं उन लोगों पे या उन बातों पे कैमरा फिट करके अपनी डिबेट को बेवजह यहां कैमरे पे या टीवी पे बैठ के बेवजह कोई बात की जाए। तीसरी बात, अमरिंदर जी ने, पार्टी ने अमरिंदर जी को बहुत कुछ दिया, अमरिंदर जी ने पार्टी को बहुत कुछ दिया, आज भी वो हमारे सम्मानित नेता हैं और सम्मान हम चाहे वो नाराज हुए चाहे कुछ करें, प्रजातंत्र के अंदर उनको हर बात कहने का, कांग्रेस के अंदर हर लीडर को, हर सम्मानित लीडर को अपनी बात रखने का हक है। इसमें बीजेपी का कहां रोल आता है, क्या बीजेपी कह रही है, ये मेरे समझ में नहीं आता।
वही बात, एक मेरे को कहावत याद आती है कि नाई मेरे बाल कितने के जजमान तेरे सामने आ जाएंगे। अभी जुमा जुमा फरवरी में इलेक्शन होने हैं, इनकी पोजीशन क्या है और वहां कांग्रेस की क्या है। हालांकि हम लोगों का वहां अपने प्रदेश के अलावा पंजाब के बारे में ना बोलने का हक है, ना हम बोलना पसंद करेंगे, सिर्फ हम कंसंट्रेट करेंगे अपने जन साधारण को, हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को। हम वहां की बातों पर, घटनाक्रम पे कोई ज्यादा टिप्पणी करें ये उचित नहीं है मेरे हिसाब से। अब वीरेंद्र भाई को जितना बोलना है वो बोले, मैं बड़ा धैर्य नहीं, आप अपनी बात रख रहे हैं। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र आपसे ये सवाल भी रखना चाहता हूं, आपसे एक सवाल भी रखना चाहता हूं वीरेंद्र जी, कि कांग्रेस तो अभी भी आपके टारगेट पर है, वो ठीक है, वो तो एक खूबसूरती है, पक्ष विपक्ष के बीच आपसे जुबानी बात कहिए, विरोध करना, आईना दिखाना। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति जिस तरीके से तमाम कैबिनेट मंत्रियों की सहानुभूति है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? नहीं देखिए, हमारी सहानुभूति किसके प्रति है, मतलब हमें कोई सहानुभूति दिखानी की हमें आवश्यकता है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक आदमी जो इनका नेता था कल तक, जो ये कह करके सार्वजनिक मंच से, सार्वजनिक पटल पर ये कहते हुए निकला है राजभवन से कि मुझे बेआबरू किया गया, मुझे जलील किया गया, इसलिए मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, तो क्या आदरणीय पंडित जी इस जलालत वाली आपके नेता की टिप्पणी पर चर्चा करना कोई अपराध है, कोई सीमा लांघना है? मुझे आपत्ति है इस बात पर भी कि हम पंजाब के बारे में बोलना नहीं चाहिए हमें। पंडित जी बोलना नहीं चाहते, इनकी बात तो मेरे को समझ में आती है, पंडित जी क्यों नहीं बोलना चाहते? कैप्टन अमरिंदर पर हमने, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एक आरोप लगाया और उस आरोप को अल्टीमेटली उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार भी किया कि पंजाब के किसानों को उन्होंने हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करने दिया। हरियाणा को नुकसान हो, हरियाणा की अर्थचोट हो और पंजाब में कोई नुकसान ना हो, ये योजना बना करके पंजाब की कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया। जब ये षड्यंत्र हम बेनकाब करने लगे तो एक दिन खुद कैप्टन अमरिंदर ने यह बात स्वयं ही कह दी। यानी जब हम कहते थे तो चैनल पर बैठकर आप भी पूछते थे कि नहीं साहब आप तो ठीक नहीं कह रहे, लेकिन जो हम अनुमान लगाते थे, जो हम कह रहे थे, एक दिन अचानक कैप्टन अमरिंदर ने वो सच्चाई स्वीकार कर ली और कैमरे पर उनको ये कहते सुना गया कि तुसी साडे इत्थे क्यों कर दे हो, साडी अर्थव्यवस्था नु क्यों खराब कर दे हो, हरियाणे च जाके करो। यानी हरियाणा विरोधी काम हुआ, हरियाणा के लोगों, हरियाणा के आर्थिक हितों पर चोट हुई, तब भी पंडित जी, इनकी पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के मुंह में दही जमी रही, इन्होंने हमारे लाख कहने पर भी ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि चलो पंजाब के बारे में मत बोलो, भले मानसो हरियाणा पे खुलेआम चोट करने लग रहा थारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, थारी पार्टी की पंजाब इकाई, रे तुम मुंह खोल लो, तुम कह दो रे कैप्टन साहब हरियाणा का भट्ठा ना बिठावे, हरियाणा के लोग के बैर है, अपने अपने घर की गरमाइश को, अपने घर के उत्पाद को अपने घर में रख लो, ये कहने की भी पंडित जी की हिम्मत नहीं हुई। इस हिसाब से आदरणीय पंडित जी आपको मुंह पर टेप लगा लेनी चाहिए। वीरेंद्र जी आपने याद दिला दिया, आप एक वाक्य कह दीजिए, कृपा करके पंडित जी से मैं अनुरोध ये करूंगा कि आप जिस तरह का सुझाव दे रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको तो मौन व्रत पर चले जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के बारे में आप बोलेंगे नहीं और बोलने से हमें भी रोकेंगे और हरियाणा का नुकसान पंजाब की कांग्रेस की और उसकी सरकार या उसके पूर्व मुखिया ने किया उस पर आप टेप लगा करके मौन धारण करके बैठ जाएंगे, तो भाई बोलना के क्या के बारे में बोलें? हमारी नीति स्पष्ट है, हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए हम पहले भी मुखरता से खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को लगातार बेनकाब। वीरेंद्र जी मैं लौटता हूं, संजीव भारद्वाज जी अगर वहां कुछ घटनाक्रम बदला तो उसमें एक
एक बड़ी पिक्चर जो है वो एक तरफ कैप्टन और एक तरफ सिद्धू रहे, वहां सब कुछ हुआ इसी के इर्द गिर्द। अब यहां की स्थिति भी है वो अक्सर आती है सामने, एक तरफ हुडा साहब हैं, एक तरफ शैलजा जी हैं, ये स्थिति भी एक पिक्चर में है हरियाणा के लिए। तो फिर क्या यहां इस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है कि आने वाले समय में किसी तरह के रद्दोबदल की स्थिति बन सकती है, या यहां भी नए समीकरण की स्थिति सामने आएगी और उसको लेकर के थोड़ी सी हलचल है हरियाणा कांग्रेस में? मनोज जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। क्यों सर? आप हुड्डा जी के आप देख लीजिएगा लिस्ट निकाल करके, पिछली उनकी इवेंट जो भी होगी शैलजा जी नहीं है, शैलजा जी निकलेंगे कोई रैली निकालें, प्रोटेस्ट निकालें, हुड्डा साहब के लोग नहीं होंगे। तो सर आप ठीक है, आप आपकी बात अपनी जगह पर है, ठीक है। मनोज जी मुझे एक दो मिनट का समय दीजिए। प्लीज प्लीज जी जी, मुझसे कोई क्वेश्चन किया है मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ काबिल आदमियों की कमी नहीं है और ना ही उनको कोई टेप मुंह पर लगाई जाती है। हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे वो सोनिया गांधी जी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो उसमें हुड्डा साहब हैं, चाहे शैलजा जी हैं, सारे अपनी बात रखने का हक रखते हैं और डिसीजन सब ने कोलेक्टिव लेना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थितियां जिस हिसाब से होती हैं उस हिसाब से निर्णय लिया जाता है ताकि जनसाधारण को दिक्कत ना हो, एक बात। फिर मेरे भाई प्रोफेसर वीरेंद्र जी ने बार बार जोर दे के ये बात कही कि किसानों को ये कह दिया उन्होंने पंजाब में कि वो हरियाणा में या दिल्ली में जाकर इस एजिटेशन को करें, यहाँ ना करें, यहाँ स्थिति खराब है। इस डिबेट पे मैं पीछे, शायद इनको ज्ञात नहीं है प्रोफेसर साहब को, मैं पीछे इस डिबेट पे बैठा था और मैंने कहा था यदि उन्होंने अपने प्रदेश को देखते हुए, अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए अमरिंदर जी ने यह बात बोली है तो हमारे आदरणीय खट्टर साहब को भी बोलना चाहिए कि ये तीनों कानून वापस लेने का हक केंद्र सरकार को है, हमें नहीं है। हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। अपने लोगों से अपील करके खत्म करते, उनको कौन रोक रहा है? आप ये बताइए प्रोफेसर साहब, एक मिनट प्रोफेसर साहब, प्लीज एक मिनट, केवल तो कहना था प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब एक मिनट, वो प्रोफेसर साहब, वो बात मुख्यमंत्री टू मुख्यमंत्री हो रही थी। प्रोफेसर साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मैं बड़े आदर पूर्वक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बात पूरी होने दे। मैं आपसे कोई अग्रेसिव तौर पे कभी बहस नहीं करता क्योंकि तथ्यों पे बहस होती है आपके साथ। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी अपनी जनता से अपील करनी चाहिए कि आज की स्थिति को देखते हुए, आज की माली हालत अपने प्रदेश को देखते हुए आप ऐसी बात ना करें। और इनकी वकालत केंद्र सरकार में, जब दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो स्टेट की सरकार है, तो इनका ज्यादा हक बनता है जाके कहें कि धैर्य पूर्वक इनको बार बार बुला के, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की वजह से आप सरकार में बैठे हैं, इन लोगों की, इन अन्नदाताओं की बात सुने, ये अपने प्राणों की आहुति सड़कों पर दे रहे हैं, इस बात को कहने में अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कौन रोक रहा है? वीरेंद्र जी, अगर पंजाब में उन्होंने अमरिंदर जी ने कही है, तो यहां ये कह दे खट्टर साहब, क्या दिक्कत है उसमें? जवाब जी, आदरणीय भारद्वाज जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने एक से अधिक अवसरों पर सार्वजनिक पटल से आंदोलनकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने आंदोलन को बाकी लोगों की, आम जन की, आंदोलन के कारण आमजन को जो असुविधा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए और विषय को समझते हुए आंदोलन को वापस ले लें। लोगों को असुविधा हो रही है उसका ध्यान सबको करना चाहिए, हरियाणा का, हरियाणा के उद्योगों का, हरियाणा के किसानों का, वहां उस क्षेत्र में रहने वाले हजारों हजार हरियाणवियों का, वो सब वर्गों के लोग हैं, खेतीहर, किसान, मजदूर, छोटे उद्योग में काम करने वाले, उनका नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बारंबार ये सार्वजनिक पटल पर अनुरोध आंदोलनकारियों से किया है कि आप इसको समाप्त करें। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, वो सुना नहीं आपने भारद्वाज जी, लेकिन मैंने कांग्रेस
के किसी नेता को हमारे लाख कहने के बाद भी ये कहते नहीं सुना। आपके बाद बोलूंगा मैं, अमरेंद्र जी एक मिनट, बीच में नहीं बोलूंगा मैं, आपके बाद बोलूंगा। एक क्षण पंडित जी, मेरी बात पूरी होने, वीरेंद्र जी भारद्वाज जी, मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले सकती है, लेकिन 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 किसी घटना से सबक लिया जाता है, कुछ सुधार कर सकते हैं, इसको स्वीकार करने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए और इसका ख्याल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए।